19 मई 2021। तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरे इस तेज गर्मी के अंदर बैगन मतलब एक प्लांट्स जो है वो अभी देखिए ग्रोथ अच्छे है और इसमें बैगन मुझे मिला है। और जैसे कि इस प्लांट पे आप देख सकते हो 2-3 बैगन ऑलरेडी लगा हुआ है और एक प्लांट है जिसमें भी देखिए यहाँ पर बैगन लगा हुआ है। इसके साइज थोड़ा बड़ा है और इसमें ऑलरेडी मैं एक बैगन को हार्वेस्ट किया हूँ और एक प्लांट यहाँ पर है, यहाँ पर भी 2-3 बैगन जस्ट लगना शुरू हुआ है। तो इस गर्मी के मौसम में भी मैं बैगन की प्लांट को ग्रो किया था मार्च के एंड पे, छोटे से प्लांट मैं नर्सरी से ले आकर मैं इसको ग्रो किया हूँ मेरे इस कैरी के अंदर। ऑलरेडी इस कैरी के अंदर मेरे और भी कई सारे प्लांट लगे हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ग्रीन वेजिटेबल है इसके अंदर, और इसके अंदर है मेरे मालाबार स्पिनच और मेरे एक बॉटल गॉर्ड के प्लांट जो मेरे शेड के ऊपर ऑलरेडी चढ़ चुका है और एक पुराना प्लांट है। तो मेरे बैगन प्लांट पे ऑलरेडी बैगन लगा हुआ है और इसके ग्रोथ भी अच्छे है और मैं प्लांट को गर्मी के मौसम में ही ग्रो किया हूँ। हालांकि ब्रिंजल प्लांट पे विंटर सीजन में अच्छा रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में भी मैं ट्राई किया कि इसमें बैगन लगता है कि नहीं। तो जैसे कि आपके सामने है रिजल्ट, हालांकि बहुत अच्छा ग्रोथ तो नहीं है लेकिन फिर भी 2-3 बैगन लग चुका है और कुछ फ्लावरिंग भी हो रहा है। और मेरे ये प्लांट्स जो है थोड़ी सी ऐसे जगह पर है जहां पर इसके ऊपर छान कर ही धूप मिलता है, मतलब डायरेक्ट सनलाइट इसके ऊपर नहीं मिलता है, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी जैसे कि मैं बताया बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं जिसके वजह से प्लांट पे तेज धूप नहीं मिलता है। तो ऐसे जगह पर आप भी प्लांट को ग्रो कर सकते हो इस गर्मी के मौसम में भी जहां पर तेज धूप ना आए, लेकिन इसके लिए वाटरिंग की पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। आप हर दिन वाटरिंग किया कीजिए। और खाद के लिए मैं जस्ट कुछ दिन पहले ही DAP का इस्तेमाल किया हूँ। हालांकि मैं किसी भी वेजिटेबल प्लांट्स पे इनऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, लेकिन क्योंकि गर्मी के मौसम में मैं बैगन प्लांट को ग्रो किया हूँ, क्योंकि ग्रोथ इसमें ज्यादा अच्छा होता नहीं है तो इसलिए मैं चाहता हूँ थोड़ा सा अच्छा ग्रोथ पाने के लिए, और इसलिए ही मैं DAP का इस्तेमाल किया हूँ। तो अगर आप चाहे तो इसके बदले ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइजर या फिर काउडांग, दोनों में ही ग्रोथ बहुत ही अच्छे होते हैं और आप 10 दिन के अंतराल पे ये इस्तेमाल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये तो था मेरे बैगन प्लांट का अपडेट जो मैं आप लोगों को देना चाहता था कि कैसे गर्मी के मौसम में आप भी चाहे तो बैगन प्लांट को आपके छत के ऊपर रूफ टॉप पे ग्रो कर सकते हो इसके बारे में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।